आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है। उस स्टेटमेंट के बेसिस पे हमें बताना है कि कौन सा अजम्पशन जो है वो इसके सपोर्टिवली करेक्ट है। ओके, तो स्टेटमेंट क्या है हमारा, दैट इज फार्मर्स फाउंड यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स इन द ऑर्गेनिक फार्मिंग एरिया ऑफ दियर फार्म्स वुड बी हैवीली फाइंड। सो बेसिकली स्टेटमेंट कह रहा है कि फार्मर्स ने देखा कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना इन ऑर्गेनिक फार्मिंग एरिया में केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करना क्या है, एक फाइन है, बहुत बड़ा फाइन है, उस पर अपने ही फार्म्स में वुड बी हैवीली फाइन, उनमें क्या है, बहुत बड़ा फाइन है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन अजम्पशन इम्प्लिसिट इन द गिवन स्टेटमेंट। तो कौन सा अजम्पशन जो है वो इसके लिए करेक्ट है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, दैट इज केमिकल फर्टिलाइजर्स हार्म दी क्रॉप, की केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं वो क्रॉप को नुकसान पहुँचाते हैं। क्या केमिकल फर्टिलाइजर क्रॉप को नुकसान पहुँचाते हैं, ऐसा तो हमें नहीं कहा गया। हमें इस इंफॉर्मेशन तक स्ट्रिक्ट रहना है, हमें अपने से अजम्पशन नहीं लेना है कि ये नुकसान पहुँचाता है या नहीं पहुँचाता, ऐसा हमें इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट हमें गिवन है दैट इज अ फार्म्स एरिया फॉर ऑर्गेनिक एंड केमिकल फार्मिंग इज डिफरेंट, कि ऑर्गेनिक जो फार्म का एरिया होता है, ऑर्गेनिक और केमिकल फार्मिंग जो है वो क्या है, अलग अलग है, दोनों एरिया क्या है, अलग अलग है। तभी तो केमिकल फर्टिलाइजर जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ करें तो उसमें फाइन है, और केमिकल फार्मिंग में उसको यूज़ कर सकते हैं, यानी ये दोनों एरियाज जो है डिफ्रेंशिएटेड हैं, अलग अलग है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को हम होल्ड करते हैं। आगे क्या गिवन है हमें, आगे हमें गिवन है दैट इज फार्मर हु डू नॉट यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन द केमिकल फार्मिंग एरिया विल बी पेनलाइज्ड एज वेल, कि जो फार्मर्स अपने केमिकल फर्टिलाइजर्स केमिकल फार्मिंग एरिया में केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करते उन पे हैवी फाइन होगा, ऐसा तो हमें नहीं कहा गया। हमें कहा गया है जो ऑर्गेनिक फील्ड में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे उनके ऊपर फाइन है, ना कि हमें ये कहा गया है कि जो केमिकल फार्मिंग में केमिकल यूज़ नहीं करेंगे उन पे फाइन होगा, ऐसा तो हमें नहीं कहा गया, यानी ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। ओके, आगे हमसे क्या कहा जा रहा है, दैट इज़ ऑल फार्मर्स अंडरटेक both these kinds of farming, chemical as well as organic in their farms, कि सारे farmers जो हैं अपने farming में दोनों farming लेते हैं, chemical भी organic में। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे farmers को दोनों ही लेनी है, वो एक भी ले सकते हैं। यानी इस statement के लिए कौन सा correct होगा, that is option B will be the right answer, that is a farmer's area of organic and chemical farming is different. It is very much clear कि ये दोनों areas क्या हैं, अलग अलग हैं। केमिकल फार्मिंग में ही केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ होंगे तो उन पे एक हैवी फाइन है। ओके, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।